नमस्कार, आप देख रहे हैं प्ले ऑन इंडिया टीवी। भारत ने हमेशा से ही क्रिकेट को कई महान खिलाड़ी दिए हैं। वहीं ऐसे में कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीता बल्कि अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ अपनी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज राहुल द्रविड़ का 45वां जन्मदिवस है। ऐसे में आइए जानते हैं राहुल द्रविड़ के करियर को लेकर कुछ खास बातें। राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ने एक साथ 1996 में लॉर्ड्स के मैदान में अपने टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू किया था। एक तरफ जहां लोग उन्हें द वॉल और मिस्टर डिपेंडेबल के नाम से जानते हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल द्रविड़ का निकनेम जैमी था। द्रविड़ के पिता जैम बनाने वाली किसान फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए दोस्त उन्हें जैमी बुलाते थे। राहुल द्रविड़ ने अपने 15 साल के करियर में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज ने इतनी गेंदों का सामना नहीं किया। उन्होंने अपने करियर में 31,258 गेंदों का सामना किया है। वहीं अपने करियर में उन्होंने क्रीज पर 44,152 मिनट्स बिताए हैं। वहीं अपने करियर में 88 शतकीय साझेदारी भी की है। एडिलेड और कोलकाता टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण ने यादगार साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई थी। टेस्ट मैच में लगातार 4 पारियों में शतक लगाने वाले राहुल द्रविड़ इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं। उनके योगदान को देखते हुए 2012 में उन्हें प्रतिष्ठित ब्रैडमैन ऑरिशन में बुलाया गया। यह सम्मान पाने वाले राहुल द्रविड़ इकलौते गैर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं।